एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ए खालिद भाई, मेरा नंबर है। अरे यार, तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गई की ना, बात है। ना ना ना, दोस्त है तो घर पे आ, चाय नाश्ता करके जा, इधर दोस्ती बिस्ती ना है। बाय। देखे शाने, तू कानून के आड़े आ रहा है, कानून के काम अटकाने के जुर्म में अंदर कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं साले। ए खालिद भाई, अभी पीटा जाएगा क्या? चल, क्या तेरा नाम लिखा है क्या अंदर? हाँ लिखा है, नहीं लिखा तो लिख डालेगा। हाँ, तू पुलिस में ना, तो अपन भी हाई कोर्ट के जज का पर्सनल ड्राइवर है, पूरे खानदान का नाम लिख डालेगा। तो लिखना यार, आवाज अंदर जाके कर, इधर नहीं जा। बात करता, ए चल ना तू। खालिद भाई टेंशन है। अरे यार, तू आधे घंटे से अंदर, तो फिर भी टेंशन है। टेंशन दूसरा है खालिद भाई, अंदर टॉयलेट में मेरी बीवी के नाम के आगे मेरे घर का टेलीफोन नंबर लिखा है। अच्छा, अरे तू मिल गया, मेरी बीवी के नाम के आगे लिखता है 50 रुपीज ओनली। क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया? ये तो बहुत कम है यार, तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे एक जीरो लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म। क्या 500? खालिद भाई मेरी बीवी क्या? अरे सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी। एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना। मेरे को मालूम है किसने लिखा है। अच्छा, कौन? पीटर। पीटर नहीं, नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं यार, क्या नहीं नहीं, उसे आज भी लिखने वाला है। क्या तू नहीं मानता? चल मैं अभी डिब्बा का डिब्बा और पानी का पानी कर देता हूँ। ये पीटर लिखना मत यार। ये लिखेगा, 1000 बार लिखेगा, डरता है क्या? देखा देखा ये साला, उसको कितना मैंने बाहर समझाया यार, तावड़े की बीवी के बारे में ऐसा मत लिखे और 50 रुपये तो मत लिखे। तो बोलता है आज तो मैं 5 रुपया लिखने वाला हूँ, इतनी महंगाई में 5 रुपये कैसे परवड़ेगा। आज वो गया खालिद भाई, कसम से कह रहा हूँ आज वो गया, आप बीच में मत आना, आपको मेरी बीवी की कसम, आप बीच में मत आना, आज वो गया। अरे मैं तो पुलिस वाला हूँ, फिकर मत कर, लास्ट में ही आऊंगा, तू फोड़ डाले, फोड़ डाल यार। पीटर क्या लिखता है, क्या लिखता है, मार। अब तो लग रही है बराबर लैला, काली पीली नीली, चलो ले चलो इसे। मजनू भाई, मजनू भाई गलती हो गई, मुझे लगा मेरे साथ कोई फोन पर मस्ती कर रहा है, सच। अगर मुझे पता होता कि आप फोन पर है तो मैं क्या ऐसे बोलता? तो क्या बोलता? ये क्या है बे? अबे तो क्या समझता मुझे? हाँ भाई, भाई आप ठीक हैं? ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। अबे सुन, बिना सिग्नल के मोबाइल। सुन रहा हूँ भाई, बोलिए। कल तक मुझे 5 खोखे चाहिए, समझा? भाई भाई आपने फोन पे तो 4 खोखे बोले थे ना। वो फोन पर बोला था, अब भाई खुद चल के आए गाड़ी में तो पेट्रोल का खर्चा क्या तेरा बाप देगा? हा? हा? 1 करोड़ का पेट्रोल भाई। ठीक है ठीक है, अच्छा है भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी नहीं किया, नहीं तो 6 खोखे हो जाते। हाँ 6 ही हो जाएगा। कल शाम के 5 बजे तक अगर तूने 5 खोखा नहीं पहुंचाया तो तेरी 3 की फैमिली 6 हो जाएगी, समझा देना इसको। समझा, 3 का 6 कैसे होता? अरे 3 लोगों का फैमिली है, तीनों को बीच में से काटेंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे ना, चलो रे। याद है कि रेशम का गोला है यार, ऐसे फिसलता है कि मजा आ रहा है यार। ओ भाई दास भाई, मैं अगर अपनी पत्नी की तारीफ करूं तो आप सुनने के मूड में है क्या? हो बिल्कुल बिल्कुल। ओ आपने जंगल में कभी हथनी देखी है? नहीं देखी। ओ आप मेरे घर पे आइएगा, मेरी पत्नी को देखिएगा, एकदम हथनी लगती है। मैं मेरी पत्नी की तारीफ करूं? हाँ हाँ जरूर। आपने कभी भूतनी देखी है, सफेद भूतनी? नहीं भाई, चांस तो नहीं लगा कभी। हाँ मेरी पत्नी अगर अपने सारे बाल खोल दे तो सफेद भूतनी दिखती है। ओ भाई दास भाई, मेरी पापी के बारे में तो ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। अरे चौधरी साहब, मैंने कान और फ्यूज उड़ा हुआ है, वहाँ अपना बल्ब लगाने की कोशिश मत कीजिए। ओ बंद क्यों कर दिया जी? अरे चलाओ भाई, क्यों मालिश बंद कर दी? चलाओ भाई, भाई। या, या, या। अच्छा कि आप दोनों ने ऐसे ही मारना चाहिए, देखते हुए मेरे जैसे शरीफ पति को सटाएंगे नहीं। हाँ हाँ, वैसे आपकी पत्नी यहाँ
आने वाली नहीं। वो तो शॉपिंग के लिए गई है, पर डोंट वरी, हमने उसे बता दिया है कि तुम्हारा पति भी मसाज पार्लर पे गया है। तो उसने कहा पहले तो तुम अच्छी तरह अपने पतियों को पीट लेना, लेकिन उसके बाद मेरे पति को भी शिकायत का मौका मत देना। क्या मतलब? मतलब हैप्पी बर्थडे टू किसका बर्थडे? अरे आप ही का बर्थडे है। मेरा बर्थडे नहीं है। क्यों, आप पैदा नहीं हुए थे? पैदा हुआ था, लेकिन तुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी पैदा हुआ था, आप भी पैदा हो, इस हिसाब से तो हम पैदाइशी भाई भाई हुए ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। फूल है ना, पेड़ पे लगा दे और निकलो यहाँ से। चलो एक बार मैं आपका जीजा बन गया ना, उसके बाद मैं रोज एक एक गिफ्ट लाऊंगा साले। मेरी कोई दीदी है ही नहीं लाले। दो दो दीदियाँ छुपाते अंदर, झूठ बोलता जयंती लाल। किधर है जयंती लाल, कहाँ है? लो आप अपना नाम भी भूल गए। तुम्हारा नाम क्या है? रॉकी। रॉकी तो मैं तुम्हें मंकी, टंकी या हॉकी कह के बोलो तो चलेगा। जयंती लाल, जयंती लाल, मेरी जुबान बाहर लटक रही है। नहीं है? पीछे पूछ मटक रही है। मैंने तुम पे कभी भी भौंका नहीं? तुमने मुझे कभी भी खंबे को पानी पिलाते हुए देखा? एक मिनट, अभी तक तो नहीं। तो फिर मैं जयंती लाल कैसे हुआ? क्योंकि आपका नाम जयंती लाल है। ओ, जयंती लाल को मिलने की बहुत खुजली है ना तुम्हें। अभी बुलाता हूँ साला, ऐसा काटेगा ना। जयंती लाल, जयंती लाल बुला रहे हैं आप? जयंती लाल, मेरे कुत्ते को। जयंती लाल, तो आपका नाम क्या है? टॉमी। टॉमी मेरा नाम है। अरे बाबा, एक्सक्यूज मी, कैसे इधर से बांद्रा जाने का बस कहाँ से मिलेगा? अपन का कोई मिस्टेक हुआ क्या? अपन तो खाली बांद्रा जाने के लिए बस के बारे में पूछ रहा था ये। अरे शिशु, क्यों भाग रहे यार? अरे सुनो, रेड पड़ा क्या? अरे मुझे भी खेल रहा, अरे मुझे भी तो ले चलो। अरे मैं तो चल भी नहीं सकता। लगता है बिना परमिशन के स्पीच दे रहा था। अरे मुझे ले चलो, उठा लो मुझे, उठा लो ले चलो। अरे उधर रे, इधर ले चलो। बाबा चीका भिखारी का। अरे सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो चीका? अरे चीका भिखारी का, इनामीना डीका। चीका भिखारी का, मैं बोला ना इनामीना डीका। क्या बम मारा है यार, काम का भगा दिया बेचारों को यार। अरे तुच्छ प्राणी है, भोले हैं, नादान है, मेरी महानता को नहीं समझते, लेकिन समझेंगे, सब समझेंगे। ये देखो मेरा नया आविष्कार। इसके प्रयोग से मनुष्य एक स्थान पर खड़े खड़े दूर किसी दूसरे मनुष्य के साथ बात कर सकता है। बताता हूँ, पकड़ो। अभी बताता हूँ। चीका पिकारी का, चीका पिकारी का। तुम, अरे कान में लगाओ, कान में लगाओ। हाँ, हेलो जॉन, किधर है तुम? मारिया डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, लेकिन इधर फंस गया हूँ यार। इधर ऑटो बस स्टैंड कुछ नहीं मिल रहा है, लगता है इधर स्ट्राइक होगा। लेकिन तू फिक्र मत कर डार्लिंग, मैं तुम्हारे पास पैदल चल के आ जाऊंगा। ओके, पर तुम है किधर? मैं किधर हूँ यार? ए चिका पिका, हम लोग किधर है? छानपुरा। अरे पूरा छान मारा पता नहीं चला, इसलिए पूछ रहा हूँ किधर है। छानपुरा। छान, अरे कुछ छानपुरा खानपुरा बोल रहे। लेकिन मैं आ रहा हूँ। साला इधर नेटवर्क गया यार। आपने इस जगह का नाम क्या बताया? ये कौन सा यंत्र है? ये मोबाइल है, लेकिन आपने इस जगह का नाम क्या बताया? छानपुरा। अब तुम ये बताओ, क्या इस यंत्र से दूर ध्वनि सुनाई देती है, वो भी बेतारा? ये कौन सा छानपुरा है? ये महाराज बबूशा का छानपुरा है। ये क्या फेंकता है यार? वो 10वीं सदी का राजा था, ये तो 21वीं सदी है। ये 10वीं सदी है। ये बताओ, ये यंत्र किसका आविष्कार है? अरे यंत्र मंत्र छोड़ ना, सच बताइए कौन सी जगह है? अरे बोला ना, ये 10वीं सदी के राजा बबूशा की रियासत है छानपुरा। अरे नहीं, राजा बबूशा की रियासत में तो इतना बड़ा दरवाजा था, और वहां तो यानी वो बात 10वीं सदी। मैं शुद्ध देशी घी का दिया करते तेरे को देवा, मेरा रक्षा करना बाबा, रक्षा।
ये क्या हुआ? वो अनुराधा और छोटी बच्ची को छोड़ दिया? सबको छोड़ के आ गया सबको। वो राजू कहाँ? वो अंजलि को छोड़ने गया ना। कहाँ? अरे वो जीप में से वो दो तीन वाड़ा थेड़ा गन नहीं मिला था तो बोला कि मैं भंगार वाले को बेच कर आता हूँ, जो 100-500 मिल जाए। मैंने कहा चुप हलकट, मेरे को पनौती का रुपया चाहिए ही नहीं। वो गन को दरिया में फेंक गया तो फेंकने का है। मैं आपको हमेशा बोलता था बाबू भैया, ये राजू फंसा देगा अपने को। बात सही है देवा, तेरी बात सही। आजा आजा, हम दिए के ऊपर हाथ रख के कसम खाते, कसम खाते हे गणपति बापा, हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। फिर हेरा फेरी कभी नहीं करेंगे। बुझ गया हे देवा, ये नहीं करने का कसम का फिर भी बुझ गया तो हेरा फेरी करने का कि नहीं करने का है? हमको कुछ मालूम नहीं रे। जल्दी जीप कहाँ है? वो राजू गया ना जीप में तेरी बहन को छोड़ने। वो जीप में वो पुरानी तीन बंदूकें थी वो मिली? वो जो मस्त लकड़ी की थी वो, वो एकदम बड़ी बड़ी थी वो, वो जिसके ऊपर मस्त चांदी लगाया था। हाँ वही 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 वही। नहीं वो तो हमने कभी देखी नहीं, नहीं। अरे यार नहीं। अरे वो गणेश जिस पारसी के यहाँ चोरी की थी वो पारसी कहाँ कहाँ से पता नहीं चुरा के लाया था, वो मिल जाती तो लाइव बन जाती 3 करोड़ से भी ज्यादा बाबा। 3 करोड़ से ज्यादा? 3 करोड़। इसमें देखो इंग्लिश में लिखा है। ये देखो इंग्लिश में लिखा है 3 करोड़ से भी ज्यादा। जल्दी कर। आ रहा हूँ। अरे यार वो मेरा जीप में शायद मोबाइल छूट गया होगा, वो मिला? मोबाइल नहीं मिला मेरे को। अच्छा वो मिल जाए तो मेरी बहन को दे देना, हम तो जा रहे हैं जेल। दे जरूर देना। ए सुन, तेरा मोबाइल नंबर क्या है? ये तो पूरा 6-7 करोड़ का माल है। 1.5 करोड़। ये देख 3.5 करोड़। 5 करोड़। ये किसका मोबाइल है? मेरे को करने दे रे बाबा। आपको दिखता नहीं सोडा बोतल जितना ज्यादा ग्लास है आपके चश्मे का। पीसी है रंदे, मेरे को करने दे। लाल फोन मेरे लिए लक्की है, मेरे को करने दे। लगा। ये राजू किधर है तू? राजू ब्यूटी पार्लर में, हरमखोर ब्यूटी पार्लर में क्या कर रहा है तू? अरे गधा है वो साला। तू रानी बोल रही है? अरे बाबा रॉन्ग नंबर तो उठाती काई कोई रे। ये पानी में गिरने की आवाज क्यों नहीं आ रही? राजू फोन उठा। राजू ये राजू फोन उठा। राजू आप क्या कर रहे हैं? अरे उठा राजू। उठा रे बाबा उठा रे। कौन हो भाई, क्या चाहिए? रॉकी क्या रे चिल्लाता क्यों रे? इलेक्शन में खड़ा कर। मेरे खिलाफ वो लेटर तानिया को तुमने लिखा था क्या? मैंने आज तक एग्जाम का पेपर नहीं लिखा तो तानिया को लेटर लिखूंगा? टॉमी ने लिखा। टॉमी अंदर है देख। ये तो क्या गलत सलत मेरा नाम लेता है? मैं कई साथ से पैन पकड़ूंगा? बात करता है, अरे मैं तो टॉयलेट में भी नहीं पकड़ सकता हूँ टिश्यू पेपर। चल अभी हाथ नीचे कर, इसको पता चल जाएगा। हाथ नीचे कर। इसका हाथ ठीक है? हाँ, ना ये लूला है ना अकल से लल्लू है। और वो देख, ओ सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधा रे। ये पहला लंगड़ा जो लंगड़ा नहीं है।
इसका मतलब तुम सबके सब तानिया को बेवकूफ बना रहे थे। कौन तानिया बे? ये तानिया कौन है? दिखने में अच्छी है, एड्रेस दे। अरे नताशा की बात कर रहा है, तानिया नाम है उसका असली। माने नताशा भी असली नहीं है, वो भी हमारी तरह नकली है? Just stop all this nonsense. Stop it. मुझे ये बताओ वो लेटर किसने लिखा है? अबे वो काय को घर में खा रहा है चिकने है? वो लेटर मैंने लिखा है। और वो नताशा का पहला आशिक था ना राज, जिसके साथ उसकी मंगनी होने वाली थी, उसके खिलाफ भी झूठ मूठ बोलकर वो रिश्ता मैंने तोड़वाया था। अरे अबे शुगर करो, मैंने वो राज का पत्ता काटा, वरना अभी तक उसकी शादी है ना नताशा के साथ हो जाती, और तुम लोग उसके नन्ने मुन्ने बच्चों को बिस्किट खिला रहे होते। आप उनको थैंक यू बोलो। I don't believe this. चल तानिया के पास, सच बताओ उसे। हाँ मार डाल, इधर ही मार डाल इस लंगड़े को। अरे खत्म हो, एक किस्सा तो खत्म हो। मार मार, इधर ही गाड़ दे बाल की दुकान को, बाद में मैं कंघी घुमाता हूँ। मार। अबे लूले, बाल की दुकान किसको बोला रे? तेरी तो, तेरे को बोला मकोड़े। मकोड़ा? मारेगा मैं तेरे को, सच्ची बात है। मारेगा, मार 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 मार। अरे सॉरी यार, लाल टोपी, सॉरी यार, सॉरी सॉरी। ये साला इधर का घास फूस खाके अपना सब बंद हो गया है। पता नहीं अंग्रेज लोग कब आएगा और ढंग का टॉयलेट बाथरूम बनाएगा। ए इधर पहले से सब बंद है यार, तुम्हारे आने का क्या जरूरत था? देख तुम 10वीं सदी का सांप है और मैं 21वीं सदी का आदमी, हमको काट के तुम चीटिंग नहीं कर सकता है। इडियट, तो गॉड, अब ये 10वीं सदी में अखबार भी नहीं निकलता होगा। ब्लड इडियट। फिर राइट में मुड़ जाना, फिर लेफ्ट में मुड़ जाना, हाँ वहाँ लड़की का दरवाजा होगा, खोल के अंदर चले जाना। ओके चलो हम लोग चलते हैं। भाई भाई, दिस इज वेरी बैड। थू। और राजू यार, उसके बड़े दांत वाले बाप को जानता नहीं है, बड़ा क्रूर आदमी यार, मैं टेंट कैंसिल कर देगा। मिस्टर चौधरी, दिस इज वेरी बैड। थू। यहाँ पे थूकना मत, मार्बल है, हम लोग फिसल जाएंगे। देन कम ऑन मैन, कम ऑन, चलो चलो। जैसे बताया था वैसे किया मैंने। अरे सुनो, ओ जी मुंह पे हाथ है, सुनाई नहीं दे रहा है। अबे पीछे मुड़ेगा तभी तो सुनाई देगा ना। मुड़ने के लिए कहोगे तो मुड़ेंगे ना, सुनने के लिए कहोगे तो कैसे मुड़ेंगे हम लोग। अरे ये केटरिंग वाला है ना, और ये टेंट वाला, और तुम ये नहीं माना। अबे या भाई, ऑर्केस्ट्रा मैन है। अबे ऑर्केस्ट्रा मेरे सर के ऊपर बैठ के बजाएगा क्या? No, we just wanted to have a chat with you. If you want me to make you listen some particular number which you like. अबे चुप। And चलो, I promise I can make you listen some romantic number. क्या टेंट वाला? पता नहीं कहाँ से नमूने ले आता है तू। और फिर नमूने कह रहा है यार, चल। ओके। इतनी बेइज्जती मैंने जिंदगी में एक साथ कभी नहीं झेली है। अच्छा? पहले झेली है, मगर इंस्टॉलमेंट में। ये मेरे फादर इन लॉ ने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, मैंने भी उनकी बेटी को भरी महफिल में अपने सामने बुलाकर खड़ा ना कर दिया ना, तो मैं भी उनका होने वाला दामाद नहीं। एंड राज, यू आर ग्रेट। क्या कंप्लेंट है भाई, बोल। साहब मेरी बीवी भाग गई साहब। क्या बात करता है? अरे वाह, ऐसा क्या किया यार, जरा हमको भी तो सिखा। अबे ये क्राइम ब्रांच है, इधर ऐसी कंप्लेंट नहीं लिखाने की। ओ गली के नाके पीपल का पेड़ है ना, वहां पे 16 नंबर का बीट है, उधर जाके शिंदे को लिखा। शिंदे? हाँ, वो बीवी पकड़ने में एक्सपर्ट है, उसकी खुद की भी 5 बार भाग गई थी ना। क्या बात कर रहे हैं? जा और सुन सुन सुन, उसको बराबर लिखा ना। तेरी बीवी काली थी, गोरी थी, मोटी थी, पतली थी, मेल थी, फीमेल थी। मेल? अबे जाना पानी कम जाना है। ए नामदेव। हाँ खालिद भाई। तेरी जेब खाली है क्या? क्यों? मेरे को पान थूकने का है। क्या मजाक करता है खालिद भाई, आपको पता है कल पेपर में आया था क्या? इतना पान खाने से मुंह का कैंसर होता है। क्या बात करता है यार? हाँ तो? तौबा तौबा तौबा, कल से बंद। पान बंद? अरे नहीं रे, पेपर बंद पगले। ये पान वान छोड़ो और कल से दूध भी पिया करो। अरे तुझे पता है यार, कल मेरे मोहल्ले में एक आदमी दूध पीते पीते मर गया। वो कैसे? अरे मजे से दूध पी रहा था, अचानक उस पे भैंस बैठ गई। क्या खालिद भाई आप भी। ये राजा बाबूशा, ये 21वीं सदी की बात नहीं कर रहा, धोखा तो तुम्हारे लोगों के ब्लड में। वो तेरा सेनापति देख,
गर्दन काट के खुद राजा बनने की तैयारी में है। किंतु ये सब तुम लोगों के कारण हुआ। न तुम लोग यहाँ पर आते, न ये ढोंग रखते और न आज हमें ये समय देखना पड़ता। कमाल है यार, थैंक यू बोलने के बदले हमको ब्लेम कर रहा है। कमाल का थैंकलेस आदमी है ये। तुमने हमें गाली दी? दी नहीं है, लेकिन देने को दिल बहुत कर रहा है मेरा। चेष्टा भी की तो तुम्हारी जीभ कटवा कर कुत्तों को खिलवा देंगे हम। खुद का सर चील खाने वाला है, हमारी जबान कुत्तों को खिलवाओगे? 21वीं सदी के लोग अत्यधिक असभ्य होते हैं। नहीं, ये बदतमीजी हमको 10वीं सदी से गिफ्ट में मिली है। तुम भविष्य मानस अपनी जीभ बंद करो। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, जो हो सके वो कर लो, नहीं करूंगा मैं। हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हें, हालत तो देखो, राजपाट चला गया, गर्दन कटने वाली है फिर भी अकड़ नहीं जाती है। वाह, मेरा हार्ट फेल कराओगे क्या? हार्ट फेल तो आप हमारा करवाने वाले थे, मतलब ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे मजनू भाई ने आपको धमकी दे दी। दी है, दिन दहाड़े दी है, दुकान के अंदर आकर दी है। लगता है मुझे कल तक तो मेरा भी यही हाल करेगा मजनू भाई। मज्जू भाई? अपना मज्जू भाई? अरे मतलब मज्जू भाई ने आपको धमकी? मुन्ना है मुन्ना, मुन्ना। आप पहचानते हो उसे? लो, अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। अरे आप एक बार मेरा नाम लेके तो देखते। मांगने की जगह ठंडा पिलाता, उल्टा दे के जाता। नहीं, मुझे उससे कुछ लेना नहीं है और मुझे कुछ देना भी नहीं है। कितने भोले हैं आप। जाइए, तैयार होकर मेरे साथ चलिए, देखिएगा हमको देखते ही कैसे हमारे पैर पे गिरेगा धम। ये मज्जू मज्जू क्या लगा रखा है, खुद लाड़ में आ गया? मेरे दो आदमी की शादी क्या करवा दी? अपने आप को मेरा बाप समझने लगा तू? अरे भाई, हम दोनों की बीवियां भी भाग गई, ऐसी लड़कियों से तो शादी करवाई इसने। हाँ, ऐसी उल्टी सीधी शादियां करवा के बहुत पैसे कमाए ना तूने। शाम तक तू भी एक खोखे का बंदोबस्त कर ले। और तू जी, सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच अब तू 5 नहीं 6 ला कर देगा, समझा? अभी तुम लोग अपनी गेम चालू करो। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। मैं लाया? तू लाया? और तेरी वजह से मेरा एक बढ़ भी गया। तू लाया, मेरे ऊपर भी तो एक पड़ गया ना।